भीड़ है। ऑस्ट्रेलिया मार रही है तो सिर्फ ग्राउंड में यही लोग बस नाच रहे हैं। रोहित विराट का टी शर्ट पहन रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा जब रोहित विराट आए नहीं। एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का 2020 मैच है और इंडिया को फिर से चांस मिलेगा एक बार ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। तो चलिए चलते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और पूरे रायपुर वाले खूब एक्साइटेड है। नया रायपुर में इतना भीड़ मैं तभी देखती हूँ जब मैच होता है। इतिहास गवाह है, जब जब मैच हुआ है तब तब नया रायपुर के ट्रैफिक को संभालने के लिए बेचारे ट्रैफिक पुलिस वाले भैया लोगों को इतना मेहनत करना पड़ता है। और ये रायपुर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जाने वाला रूट है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम यहाँ से 8 किलोमीटर में है जो कि नया रायपुर में है। और अभी 8 किलोमीटर पहले ही आपको यह दिख जाएंगे जो आपको टी शर्ट और झंडा इंडिया का सब चीज आपको बेचते हुए दिखेंगे। ये सब लोग अभी रोहित विराट का टी शर्ट पहन रहे, मेरे को समझ नहीं आ रहा जब रोहित विराट आए नहीं तो उनका टी शर्ट क्यों पहन रहे। पुलिस की गाड़ी भी जा रही है, नॉर्मल लोगों को भी गाड़ी जा रही है, सब की गाड़ी जा रही है, सब स्पीड में है। 7 बजे से मैच स्टार्ट होने वाला है। हर 100 मीटर की दूरी में आपको एक ना एक भैया मिल जाएंगे जो आपको टी शर्ट और झंडा देते रहेंगे। क्रिकेट स्टेडियम जाने का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से हमको एंट्री करनी है। पार्किंग आ गया है, अपनी गाड़ियाँ यहीं पे पार्क करनी है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ रहता है क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करते हैं। ये देख सकते हो इस तरफ पूरा पार्किंग रखा हुआ है, अभी इस तरफ दूसरा पार्किंग स्पेस बनाया गया है जहाँ पे अभी गाड़ी पार्क करनी है। भीड़ बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा भीड़ है। ऐसे तो पूरे नया रायपुर में भीड़ है लेकिन सबसे ज्यादा जो भीड़ मुझे दिख रही है वो दिख रही है पार्किंग में। दोनों साइड बड़े बड़े स्पेस में पार्किंग बनाया गया है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। अभी फिलहाल 15-20 मिनट की मेहनत के बाद एंट्री करने के लिए मिला है। यहाँ पे अलग से पूरा एक खेत है, उसमें एंट्री पार्किंग बनाई गई है। अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए। समझना पड़ेगा कि गाड़ी मिलेगी कैसे, रख तो देंगे मिलेगी कैसे। ये भैया लोग इधर पे पट्टी करते हैं, अगर आपको अपने फेस पे बनाना है तिरंगा झंडा, हाथ पे बनवाना है तो भैया बना के देंगे आपको। पूरे स्टेडियम से शोर हल्ला गुल्ला की पूरी आवाज आ रही है। मैच आई थिंक स्टार्ट हो चुका है, शाम को 7 बजे स्टार्ट होने वाला था। और ये पूरा पार्किंग है यहाँ पे, इतना ज्यादा गाड़ियाँ पार्क, इतने ज्यादा लोग है। तो यहाँ पे टिकट काटते हैं, पर्ची, गाड़ी का स्लिप और 20 रुपए चार्ज लेते हैं आपसे। मैच स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद भी काफी लोग आ रहे हैं क्योंकि थोड़े से लेट हो चुके हैं। ये सेंध लेक है जहाँ पे, सेंध लेक पे इतना ज्यादा भीड़ रहता नहीं था लेकिन अभी मैच की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। और बहुत सारे स्टॉल भी लगे हुए हैं जिसमें आपको भेल, आइसक्रीम, गुपचुप ये सब भी मिल जाएगा। तो पार्किंग आपको 1 किलोमीटर पहले करनी रहती है, उसके बाद पैदल चलना रहता। तो अभी फिलहाल मैं चल चल के जा रही हूँ। अपनी गाड़ी यहाँ तक ला सकते हो लेकिन अगर आपके पास पास रहेगा तो पास वाले लोगों को यहाँ तक एंट्री देती है। और जो सामान्य पार्किंग होती है वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले ही हो जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, और ये वाला जो है ये है गेट नंबर 6, उधर पे है गेट नंबर 5 और मुझे जाना है गेट नंबर 10 से। तो फिर इस तरफ और आगे जाना पड़ेगा। ये थोड़ा एक भैया कलर नहीं चाहिए। और यहाँ से एंट्री है, थोड़ा ये शॉर्टकट है, यहाँ से अभी हम जा रहे हैं, जाना है गेट नंबर 10 में। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलती रहती है। यहाँ पे खाने पीने का रेट सबका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो 10 रुपए में मिलती है वो आज की रेट पे यहाँ पे 30-40 रुपए में मिलती है। और वैसे भी एक दिन के लिए रहता है तो सब रेट बढ़ा ही देते हैं। अभी फिलहाल मुझे आते वक्त काफी लेट हो चुका है, इस वजह से सभी लोग जा चुके हैं और मैं एकदम लास्ट में जा रही हूँ। इधर साइड चेकिंग होता है, आपको अपनी टिकट यहाँ पे दिखाना रहता है, उसके बाद जाना रहता है। और ये गेट नंबर 10 है, लोअर 8-9, मेरा जो है उसमें लोअर 8 है। तो यहीं से एंट्री करते तो अभी फिलहाल यहाँ पे एंट्री हो चुका है। यहाँ पे भी कुछ कुछ स्टॉल लगे हुए हैं जिसमें आपको खाने पीने का कुछ कुछ सामान मिल जाता है। और ये जो है ये है टावर 9 और मुझे टावर 10 से अंदर जाना है। बाहर तो इतना ज्यादा आवाज आ रहा है, यहाँ पे भी खाने पीने का बहुत सारा चीज आपको मिल जाता है। फिलहाल हो चुकी है एंट्री और ये जो टिकट होता है उसको वो फाड़ देते हैं ताकि बाकी वापस से इसमें एंट्री ना हो सके। माय गॉड कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे।
अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, इतने ज्यादा लोग हैं। तो अभी फर्स्ट में इंडिया बैटिंग कर रही है और ऑस्ट्रेलिया जो है वो फील्डिंग कर रही है। ऑडियंस आप देख सकते हो, इतनी सारी ऑडियंस आई हुई है, इतने ज्यादा मतलब पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। ये देख सकते हो पूरा स्टेडियम, जिस तरफ आप देखोगे उस तरफ भीड़ है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ है। फ्री सीटिंग है, इसका मतलब आप जब भी आते हो आपको जहाँ पे जो प्लेस मिलती है वहीं पे बैठा रहता है। और मैं लेट से इसकी वजह से सीट भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि पूरा स्टेडियम इतना ज्यादा भरा हुआ है, तो सब जगह लोग बैठे हुए हैं। बैठने के लिए तो एक भी सीट यहाँ पे अवेलेबल है क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। फर्स्ट इनिंग कंप्लीट हो चुका है, इंडिया भी बैटिंग कर चुकी है, अब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी। तो ये लोग यहाँ पे आते हैं चिप्स देने के लिए, पॉपकॉर्न देने के लिए, सब चीज देने के लिए। घर पे अंदर आपको मिल जाता है लेकिन थोड़ा रेट ज्यादा रहता है, तो अभी सब चीज सब उतर रहे हैं और अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं। मैं प्लेस देख रही हूँ सामने के लिए क्योंकि अभी मैं वहाँ पे पीछे बैठी थी तो उतना अच्छा क्लियर नहीं होगा, और ऊपर से भी काफी लोग देख रहे हैं। अभी फिलहाल मैं प्लेस सामने के लिए देख रही हूँ, सामने से बैठ के देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने वाली है, फर्स्ट टाइम पे इंडिया ने बैटिंग किया था, काफी अच्छा खेले। आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कैसे बैटिंग करती है। तो अभी इंडिया फील्डिंग करने वाली है, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करेगी। स्कोर बोर्ड है टोटल 174 है। इंडिया को ज्यादा से ज्यादा विकेट लेना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। यहाँ के जितने लोग बैठे हुए हैं वो सब यहाँ पे पास में कभी रिंकू आते, कभी चहल आते, तो उनको सबको बुलाते रहते हैं, मतलब जोर जोर से चिल्लाते रहते हैं। अभी खैर इंडिया कर रही है बॉलिंग। ऑस्ट्रेलिया खूब चौका मारी है, जब से स्टार्ट किए तब से चौका ही चौका मारने लग गई है। और मुझे समझ नहीं आता ये इंडिया वाले कि ऑस्ट्रेलिया वाले ढोल बजाते रहते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया मारे या इंडिया मारे तो भी ढोल बजाते हैं। लड़ाई हो गया लग रहा है, मैच में कभी ना कभी लड़ाई हो ही जाता है। इंडिया को सपोर्ट करने आए कि ऑस्ट्रेलिया को समझ नहीं आ रहा है ऑस्ट्रेलिया का टी शर्ट पहन के आ गया है तीन चार लोग, मैं तो सोचू इन लोगों को इधर ही भेज देती हूँ। नाच भी रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया मार रही है तो सिर्फ ग्राउंड में यही लोग बस नाच रहे हैं। पूरा मूड मेरा खराब हो रहा है,
₹100 यहाँ पे आपको समोसा मिलेगा और ₹100 का पानी बॉटल मिलेगा, इतना ज़्यादा कॉस्टली। और ये जो पेप्सी है ये भी ₹60 का एक, ये ₹60 का एक पेप्सी है। गेट ओवर हो चुका है, पूरे स्टेडियम में फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए बोल दी है। अभी बच चुका है रात के 10, मैच जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन मुझे जल्दी जाना है, इस वजह से मैं जा रही हूँ। और स्टेडियम के जस्ट बाहर कुछ कुछ भैया लोग स्टॉल लगाए हुए हैं जहाँ पे आप चाय नाश्ता कुछ कर सकते हो, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे पानी पी रही हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी डायरेक्ट पार्किंग। 1 किलोमीटर है, चल के जाना है, फिर वापस घर जाना है। आई होप गाइस आपको आज के ये ब्लॉग पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।